यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इट विल रिप्लेस द प्रीवियस पॉलिसी विच इज फ्रेम्ड 15 ईयर अगो, यानी 2002 में जो यूनियन हेल्थ पॉलिसी थी उसको यूनियन कैबिनेट ने 2017 के अंदर रिप्लेस किया है। द पॉलिसी सीक्स टू रीच एवरीवन इन कॉम्प्रिहेंसिव वे टू मूव टुवर्ड्स वेलनेस। इट्स एम एट अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्ज एंड डाइवर्सिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। की हाईलाइट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इट एम टू राइज द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंस, जो पब्लिक हेल्थ पर जो खर्चा किया जाता है 2.5% से, उसको GDP का जो 1.4% पब्लिक हेल्थ पर खर्च किया गया है, इसको हमें मोर देन 2/3 ऑफ दोज रिसोर्स गोइंग टुवर्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दैट विल इंक्लूड केयर ऑफ मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जेनरिक हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, पैलिएटिव केयर, रिहैबिलिटेटिव केयर सर्विस। इट प्रपोज फ्री डायग्नोसिस, फ्री ड्रग्स एंड फ्री इमरजेंसी एंड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एसिस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इट एम टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ 2 beds पर 1000 पॉपुलेशन टू इनेबल एसिस विद इन गोल्डन आवर। गोल्डन आवर को इनेबल करने के लिए यानी 1000 पॉपुलेशन पर 2 bed अवेलेबल करवाना है। इट प्रोसेस इट्स पर्पज टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 67.5 टू 70 ईयर बाई 2025। यानी अभी वर्तमान में जो लाइफ है वो 67.5 से 70 साल 2025 तक इंक्रीज करनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इट्स एम टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 एट सब नेशनल एंड नेशनल लेवल बाय 2025। मोर्टेलिटी रेट, इट एम टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज टू 23 per 1000, यानी 1000 per 23। ये मोर्टेलिटी रेट है, रिड्यूस करनी है फॉर चिल्ड्रंस के लिए 2025 तक। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR है वो 2020 तक, यानी 2020 तक है ये रिड्यूस करनी है 100 तक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट्स एम टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 बाई 2019 तक। ये मोर्टेलिटी रेट है 28 तक यहाँ पर रिड्यूस करनी है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो ये तीन तरह की यहाँ पर रेट दिखाई गई है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 किया गया है, उसमें इंदौर है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी यहाँ पर सर्च की गई है या बताई गई है। इंदौर हैज इमरजेंसी इन इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इन दी स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 कंडक्टेड इन 434 सिटीज इन टाउन्स। की हाईलाइट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का की हाईलाइट क्या है? दिस सर्वे डिस्क्राइब्ड मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एज द मूवर एंड शेकर्स फॉर हैविंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव दियर रैंकिंग फ्रॉम दैट ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन 2014 बिफोर द लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014। The criteria for selecting the city for ranking of this year include 45% marks for cities becoming open, defecation free, solid waste management like sweeping, collection, transportation and processing of garbage, education and capacity building. 25% marks were given for citizen feedback. इसके बाद में देखते हैं हम रैंकिंग है, जैसे कि इंदौर है, इंदौर को रैंकिंग दी गई है। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आता है, इसे रैंकिंग दी गई है 1st number पर। टॉप 5 है इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम, सूरत और मैसूर। मैसूर कर्नाटक का है, सूरत गुजरात का है और मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। उसके बाद में देखते हैं बॉटम टॉप 5। तो बॉटम के लिए सबसे ज़्यादा है यहाँ पर बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर कोतिहर है, हरदोई है, ये 431 नंबर पर आती है। 434 पे गोंडा आता है उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र का ये गांव है भुसावाल, ये सिटी आती है। ये क्लीनेस्ट के अकॉर्डिंग है रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। वह यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च विद्यावीरता अभियान,
ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विद्यावृत्त अभियान। दी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट फॉर शोल्डर ए नेशनल वाइड विद्यावृत्त अभियान टू इनकरेज द यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया टू डिस्प्ले पोर्ट्रेट ऑफ परम वीर चक्र डेकोरेटेड शोल्डर। जो परम वीर चक्र है यह विद्यावीरता अभियान है। ये परम वीर चक्र जो दिया जाता है सैनिकों को, उसके लिए ये चलाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने ये विद्यावीरता अभियान है चलाया है। द पोर्ट्रेट ऑफ परम वीर चक्र डेकोरेटेड शोल्डर वर हैंडेड ओवर द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी जमीला मिला इस्माइलिया जम्मू कश्मीर IIT दिल्ली एमोंग अदर टू पुट इट दियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। दी वॉल ऑफ हीरोज डिप्रिशिएटिंग पोर्ट्रीज ऑफ ब्रेव शोल्डर हु शोड एक्सेम्प्लरी ब्रेवरी इन द डिफेंडिंग द नेशनल एक्सपेक्टेड टू इंस्टिल एंड सेंस द पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलाइज अमंग द स्टूडेंट। दिस इनोवेटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन वेक ऑफ डिमांड मेड बाय द एक्स सर्विसमैन दैट पोर्ट्रेट ऑफ मैट्रास एंड टैंक्स यूज इन वार टू शोकेस इन द यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ नेशनलाइज एंड पैट्रियोटिज्म अमंग द स्टूडेंट। उसके बाद में है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज टू कम अप ओवर चेनाब रिवर। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विच हैज 35 मीटर टॉलर देन द ईफिल टावर इज टू कम अप ओवर द चेनाब रिवर इज जम्मू एंड कश्मीर एट द कॉस्ट अराउंड 1100 करोड़। 1100 करोड़ में ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर। द ब्रिज विल कनेक्ट बक्कल काटरा एंड श्रीनगर कुरी। बक्कल का जो काटरा का जो बक्कल है एंड कुरी जो श्रीनगर का है, इन दोनों को ये ब्रिज कनेक्ट करता है। द ब्रिज विल बी ए पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का भी पार्ट है इन द रीजन व्हेन कंप्लीटेड। देयर इज आल्सो ए रोप वे इन द ब्रिज फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। यहाँ पर एक रोप वे है फॉर इंस्पेक्शन पर्पज, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये रोप वे यहाँ पर दिखाया गया है। की फीचर्स ऑफ द ब्रिज, इस ब्रिज के की फीचर्स क्या हैं? स्टील वाइज द मटेरियल टू चूज टू कंस्ट्रक्ट द होमोंगस्ट स्ट्रक्चर एज इट्स मोर इकोनॉमिकल एंड एबल टू रेसिस्ट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस एंड विंड स्पीड ऑफ अबव 250 किलोमीटर पर आवर। द रेलवे विल आल्सो इंस्टॉल सेंसर ऑन द ब्रिज टू चेक द विंड वेलोसिटी एज सून एज विंड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। द सिग्नल इज टू ट्रैक विल टर्न रेड प्रिवेंशन ट्रेन मूवमेंट। इन ऑर्डर टू एनहेंस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द ब्रिज विल बी मेड ऑफ 63 mm थिक स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील एज जम्मू एंड कश्मीर रीजन इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट टेरर अटैक। द कॉन्क्रीट पिलर ऑफ द ब्रिज विल बी डिजाइन टू विथस्टैंड एक्सप्लोजन एंड पेंटेड विथ ए स्पेशल कोरोजन रेजिस्टेंस पेंट विच लास्ट फॉर लास्ट एट लीस्ट 15 ईयर्स। वह इंडिया की रैंक है 131 है इन ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया की रैंक है वो 131 है। इंडिया रैंक एट 131 इन 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एमोंग दी 188 कंट्रीज। इंडिया स्कोर्ड 0.624 एंड वाज प्लेस्ड इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। द इंडेक्स वाज अनबिलीव्ड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टिल्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन पब्लिश्ड बाय द यूनियन यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। द टॉप 3 कंट्रीज इन HDI आर नॉर्थ वे एंड स्कोर ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। की फैक्ट्स अबाउट इंडिया इन HDR 2060। इंडिया रैंक लोएस्ट अमंग ब्रिक्स नेशनल एंड
रूसी 49, ब्राज़ील, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये की फैक्ट्स हैं एचडीआर के। इंडिया रैंक लोएस्ट अमंग दी ब्रिक्स के जो नेक्सस में रूस है, ब्राज़ील है, चाइना, साउथ अफ्रीका के अंदर लोएस्ट रैंक के अंदर इंडिया है आता है। अमंग सार्क कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव वर प्लेस्ड इन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी फॉलोड बाई इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 169 पाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया हैज इंक्रीज 68 ईयर्स टू एन एवरेज 68.3 ईयर्स विद 69.9 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 66.9 ईयर्स फॉर मैन। इंडिया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग रिमेनिंग 11.7 ईयर्स बाई मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज फ्रॉम 4.4 टू 6.3 ईयर। The HDI is measure of assessing country's progress in three basic dimensions of human development: a long and healthy life, access to knowledge, and access to decent standard of living.